अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुना शेख और आप देख रहे हैं ज़मान टीवी यूएसए। आज आपके सामने मुजफ्फराबाद में कायम की गई यादगार शहदा के बारे में एक छोटी सी रिपोर्ट पेशी खिदमत है। अपने मुकद्दस खून से आज़ादी की जद्दोजहद को रंगीन उन्वानात से मुजयन करने वालों की यादगारें तामीर करना लायक़ तहसीन अमल है, लेकिन किसी मखसूस सियासी वाबस्तगी या जमात की निस्बत से शहीदों में इम्तियाज बरतना शहीदों के खून से नाइंसाफी है। याद रहे कि कुछ अजीम लोग मुल्क व मिल्लत की असमत और अल्लाह की खुशनुदी के लिए शहादत के मर्तबे पर फायज होते हैं, कुछ को शहीद करवाया जाता है, जबकि कुछ पर जान बूझ कर शहादत की मुलम्मा साजी की जाती है। अगर हम मुजफ्फराबाद में कायम की गई यादगार शहदा का इस तनाजुर में मुशाहिदा करें तो बिला रद्दो रियायत कहा जा सकता है कि इनमें अव्वलुल जिक्र शहदा के उस्माए ग्रामी कम और बाकी दो का जिक्र ज्यादा है, जिसे नापसंदीदा कहना बेजाना होगा। दिलचस्प बात यह है कि शहदाए जम्मू कश्मीर के नाम से कायम करदा यादगार से मुल्हका सुरंग नमा गैलरी में शहदाए जम्मू कश्मीर की बजाय आजाद कश्मीर के पाकिस्तान नवाज लीडरों की तस्वीर लगाई गई हैं, जो आजाद कश्मीर में सियासी प्रोटोकॉल को एंजॉय करते रहे। शायद उनकी तस्वीर को सियासी शहदाए जम्मू कश्मीर होने की वजह से यहां लगाया गया हो, वरना शहदाए जम्मू कश्मीर के नाम से कायम करदा इस यादगार की सुरंग नुमा गैलरी में चौधरी गुलाम अब्बास, सैयद अली गिलानी, सरदार इब्राहिम खान और सरदार अब्दुल कयूम खान की तस्वीर लगाने का मकसद नई नस्ल को जम्मू कश्मीर की हकीकी तारीख से सोचे समझे मंसूबे के तहत दूर करके मस्ख करदा तारीख ने जहनों में डालने की खुलेआम कोशिश है। अगर सियासी रहनुमाओं की तस्वीरों को इस यादगार का हिस्सा बनाने का मकसद तारीखी या इल्मी होता तो फिर सैयद यूसुफ शाह, खुर्शीदुल हसन खुर्शीद और शहदाए जम्मू कश्मीर की हकीकत बतानी मतलूब होती तो फिर मकबूल भट्ट और बेशुमार नाम हैं जिनकी तस्वीर यहाँ लगाई जाती। कौन सा मौरख है जो खुद साख्ता शहदाए कश्मीर या मकबूजा कश्मीर के सियासी और शहदा की छानबीन क्लासेस और कैटेगरी बनाकर तारीख मुरतब कर रहा है। अल्लाह की राह में मारे जाने वाले शहीद कहलाते हैं और मुसलमानों के लिए शहदा की मनचाही कैटेगरी या क्लासेस नहीं होती। 106 मिलियन से कायम करदा इस शहदा की यादगार से मुल्हका गैलरी में मुकाम ना बना सकी। तनाज़ा जम्मू कश्मीर की आलमी हैसियत में इस्लामी जहाद और इंडिया पाकिस्तान की तरफ से फौजी कुव्वत के इस्तेमाल का कोई तसव्वुर नहीं मिलता, इसीलिए इंडिया पाकिस्तान को रियासत जम्मू पर गैर आइनी, गैर इखलाकी और गैर कानूनी काबजीन कहा जाता है। अक्वामे मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल की करारदादें इंडिया या पाकिस्तान से रियासत जम्मू कश्मीर के इलहाक के लिए आजादाना राय शुमारी का हक देती हैं, इसके बाद इलहाक की शराइत तय करने की जमानत भी देती हैं, मगर इससे कबल इंडिया पाकिस्तान के सब इकदामात सिर्फ रियासती वसाइल की लूटमार और नाजायज कब्जा के सिवा कुछ नहीं। रियासत जम्मू कश्मीर तकसीम हिंद से कबल एक आजाद और खुद मुख्तार रियासत चली आ रही है, मगर हिंदू मुस्लिम मजहबी इंतहा पसंदी ने यहाँ की इंसानियत को मजहब की बुनियाद पर तकसीम करवा कर इंसानियत के कत्ल की जो साजिश की है, जिसकी आग में जम्मू कश्मीर की इंसानियत आज तक चल रही है, फिर दोनों काबजीन ने जाली तारीख मुरतब करके नई नस्ल को तारीखी तारीकी में धकेल दिया। अब यादगारें और म्यूजियम बनाकर जहालत फैलाई जा रही है।